नमस्कार, व्यापार की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार की कमजोर शुरुआत देखने को मिली है। प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 58 अंक की गिरावट के साथ खुला और कुछ ही देर में 150 अंक फिसल कर 34,958 के स्तर पर कारोबार करता दिखा। वहीं निफ्टी 10 अंक की गिरावट के साथ खुला और 40 अंक फिसल कर 10,640 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। एक बार फिर शुक्रवार को पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं। दिल्ली में आज का पेट्रोल रेट 75.61 रुपए प्रति लीटर है और वहीं मुंबई में 83.45 रुपए प्रति लीटर है। प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब नेशनल बैंक के 13,000 करोड़ रुपए के घोटाले में मेहुल चौकसी की कंपनी गीतांजलि समूह के 85 करोड़ रुपए के 34,000 आभूषण जब्त किए हैं। एजेंसी ने कहा कि ये आभूषण दुबई से खरीदे गए थे। इन आभूषणों को मनी लॉन्ड्रिंग रोधक कानून के तहत जब्त किया गया है। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने संकल्प जताया है कि डूबे कर्ज और घोटालों की मार झेल रहे घरेलू बैंकिंग क्षेत्र को जल्दी पटरी पर ला दिया जाएगा, क्योंकि इन गड़बड़ियों का असर वास्तविक अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। गोयल ने सार्वजनिक बैंक के प्रमुखों के साथ बैठक के बाद यह बात कही। द पब्लिक सेक्टर बैंक्स व्हिच हैव प्लेड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ दिस कंट्री व्हिच आर ज्वेल्स इन दिस कंट्री विल बी एबल टू ओवरकम these legacy issues in a very short period of time, be able to continue to serve the common man through more aggressive banking, maintaining the highest standards of ethics and integrity. रिलायंस जियो इन्फीकॉम लिमिटेड ने गुरुवार को स्क्रीन्स के साथ विशेष साझेदारी की घोषणा की है। भारतीय बाजार के लिए यह एंटरटेनमेंट बेस्ड इंटर एक्टिविटी के लिए सबसे शक्तिशाली मंच है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए EMS TV के साथ। नमस्कार। जेनाविन सेल्स क्रॉम्पटन ग्रीव्स के गीजर पंखे एंड लाइटिंग ल्यूमिनरीज हैवी ड्यूटी एग्जॉस्ट फैंस एंड कूलर फैंस की संपूर्ण रेंज एल मोनार्ड के फैंस पेडिस्टल फैंस एग्जॉस्ट फैंस एंड एयर कर्टन की विस्तृत रेंज जेनाविन सेल्स नियर भारत टॉकीज फर्स्ट फ्लोर हमीदिया रोड भोपाल